ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। मुंबई ड्रग्स केस मामले में अनन्या पांडे से एनसीबी ने कल करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ आई थी। हालांकि अभी अनन्या पांडे को एनसीबी की तरफ से राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। कथित व्हाट्सएप चैट मामले में एनसीबी ने सोमवार को एक बार फिर अनन्या पांडे को पेश होने के लिए कहा है। तो अनन्या को फिर से बुलाया गया है सोमवार को। 2 दिन की लगातार पूछताछ के बाद एनसीबी ने अनन्या को अब सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले दिन लगभग 2.5 घंटे पूछताछ हुई, कल 4 घंटे पूछताछ हुई। दरअसल आर्यन खान के साथ जो व्हाट्सएप चैट हुई थी उसी को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आर्यन खान, फिर अनन्या पांडे और अनन्या के बाद एजाज खान की एनसीबी के सामने हाजिरी। क्रूज ड्रग्स केस में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की यही तस्वीरें पूरे देश ने देखी, लेकिन शुक्रवार को सबकी निगाहें टिकी हुई थी चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की एनसीबी दफ्तर में पेशी कर। पेशी से कुछ ही देर पहले एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ये खबर थी आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट से जुड़ी। खबरों के मुताबिक अनन्या पांडे को आर्यन खान ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था जिसमें आर्यन ने लिखा था, गांजे का जुगाड़ हो सकता है क्या, जिसके जवाब में अनन्या पांडे ने लिखा, मैं अरेंज कर दूंगी। इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के कुछ ही देर बाद दोपहर के वक्त अनन्या पांडे और उनके पापा एनसीबी दफ्तर पहुंचे और खबर आई कि अनन्या पांडे ने एनसीबी के सामने बताया कि आर्यन को व्हाट्सएप चैट में ये बात मजाक में लिखी गई थी। अब गांजे जैसे नशे को लेकर मजाक कैसे किया जा सकता है, शायद इसी सवाल को लेकर एनसीबी ने अनन्या पांडे से काफी देर पूछताछ की। कौन बैठा था? जंकी जी बैठे थे। कहाँ सर? कैबिन के बाहर, मैं और वो साथ में बैठे थे। और लेकिन ये लेकिन अनन्या जी वो वानखेड़े सर के साथ। इधर अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही थी उसी दौरान एक और सेलिब्रिटी एनसीबी दफ्तर के सामने नजर आए। ये थे बिग बॉस फेम एजाज खान। एजाज को क्यों बुलाया गया था इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन एनसीबी के सामने पेशी का सीधा मतलब है कि मामला ड्रग से ही जुड़ा रहा होगा। No, they did not allow me to speak inside. I just came to meet my husband and my husband is still there. There is justice going on with people and we need to get this done, please. एक तरफ सेलिब्रिटीज से पूछताछ का दौरा जारी था तो दूसरी तरफ थे एनसीबी नेता नवाब मलिक के एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के आरोप। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज एनसीबी ने समीर वानखेड़े की छुट्टियों को लेकर एक दस्तावेज भी जारी किया और उधर बीजेपी ने नवाब मलिक पर सवालों के तीर दागे। ये केस शुरू हुआ था ड्रग्स और नशे के कारोबार से, फिर इसमें सेलिब्रिटीज के नाम जुड़े और अब शुरू हो गई है पॉलिटिक्स। इस हो रहे हंगामे के बीच इंतजार उस अदालती फैसले का भी है जो बताएगा आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। इंतजार उस जांच रिपोर्ट का भी होगा जो बताएगी क्या ड्रग्स रैकेट से अनन्या पांडे का कोई कनेक्शन है या नहीं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।